विभाजित है ये ब्रह्मांड, इनमें धरती से सबसे दूर है। दोस्तों जय श्री राम। हनुमान सीरीज का जो पांचवा सीजन है उसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। हम जानते हैं कि हम काफी लेट हैं उसके ट्रेलर का रिएक्शन देने के लिए, पर हम आ गए हैं उसका ट्रेलर लेके। तो पहले हम जय श्री राम बोल के हनुमान का ट्रेलर जो रिलीज हुआ है उसको देखते हैं। ये हमें हॉट स्टार पर देखने को मिलेगा। तो एक साधारण वानर था मैं, श्री राम मेरे जीवन में आए और मेरे भीतर सो रहे ऐसे कई पक्ष जगाए जिनके बारे में मैं जानता तक नहीं था। श्री राम के लिए आकाश पाताल एक कर सकता हूं। 14 भुवनों में विभाजित है ये ब्रह्मांड, इनमें धरती से सबसे दूर है पाताल लोक। मैं अहिरावण, राम और लक्ष्मण की बलि से मुझे जो शक्तियां मिलेंगी उनसे मैं पिताजी का सिंहासन छीन कर लंका पर राज करूंगा और फिर पूरे ब्रह्मांड पर। समय कम है पर दांव पर बहुत कुछ। मैं पाताल लोक के स्वामी को उसके बिल से निकालता हूँ। मैं पाताल लोक का स्वामी नहीं, स्वयं पाताल लोक हूं। इन्होंने मेरे भाई का वध किया, अब ये रावण की दहाड़ सुनेंगे। पाप का घड़ा पिता भरे या पुत्र है, उसे फोड़ने मैं अवश्य आऊंगा। जो हनुमान का चौथा सीजन हम लोगों ने देखा तो आप लोगों को याद होगा, लास्ट में ये कहानी यहीं से खत्म होती कि आई रावण, जो रावण का ही पुत्र है, वो भगवान श्री राम और लक्ष्मण को उठा के पाताल लोक ले जाता है और वहां बेहोश रखता है। ये कहानी हमने रामायण में देखी भी है और पढ़ी भी है। उनको बचाने के लिए हनुमान जी जाते हैं पाताल लोक में। वहां पे उन्हें पता चलता है कि उनके पसीने की बूंद से उनका ही पुत्र पैदा हुआ था और वो जो आई रावण होता है ना, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरा रावण का सिंहासन हड़पना चाहता है और पूरी लंका पे राज करना चाहता है। उसका मकसद रावण की मदद करना नहीं है बल्कि उनका राज हड़प के खुद राज सिंहासन पर बैठना है। इसमें हनुमान जी कहते हैं कि चाहे पुत्र गलती करे चाहे पिता गलती करे, उसके पाप का घड़ा फोड़ने मैं ही आऊंगा। उसमें तो बहुत अच्छा दिखाया जाता है कि श्री राम और लक्ष्मण बेहोश पड़े हुए हैं। वो कहते भी हैं, अरे रावण कहता है कि मैं पाताल लोक का राजा नहीं हूँ, मैं खुद पाताल लोक हूँ। मतलब बहुत अच्छा दिखा, जानकारी देने के लिए नई पीढ़ी को ये 5 सीजन शुरू किया गया जो 25 अक्टूबर को जिंदगी पर हॉटस्टार पर आएगा। फुल एपिसोड इसमें दिखाए जाएंगे, इसमें लास्ट में लिखा था सारे एपिसोड दिखाए जाएंगे, बहुत अच्छा होगा। इसमें जो एडिटिंग की गई है ना वो भी बहुत दमदार की गई है। इसमें दिखाया गया कि जब श्री राम तीर चलाते हैं ना तो रावण के 10 सिर बन जाते हैं और क्या मजेदार बनते हैं, अलग अलग दिखाए जाते हैं और वो 10ों राम के ऊपर हमले करने की कोशिश करते हैं, ऐसा दिखाया जाता है। पाताल लोक के बारे में भी दिखाया जाता है, क्योंकि पाताल लोक के जो स्वामी है, जो राजा है ना, वो नागराज है, शेष नाग कहते उन्हीं के ऊपर धरती थमी हुई है, ऐसा हमने कई जगह पढ़ा भी है और सुना भी है। ट्रेलर बहुत बहुत अच्छा था, हमने रिएक्शन देने में देरी की पर ट्रेलर बहुत अच्छा था। मैं भगवान श्री राम, लक्ष्मण
और पवन पुत्र हनुमान, इनके बारे में बताया जाएगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मेरी शक्तियां जागृत नहीं थी, पर जब मैं भगवान श्री राम से मिला तो मेरी शक्तियां जागृत हो गई। इसमें दिखाया जाता है कि वो कैसे एक से एक बार शेर बनते, एक बार घोड़ा के चेहरा दिखाता है उनके ऊपर, मतलब पंचमुखी हनुमान जी। कई मंदिरों में हमने पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन किए हैं, आप सब लोगों ने किए होंगे। उनकी पूजा करना भी बहुत पुण्य का काम माना जाता है। हमारे सारे दुख संकट मोचन हनुमान है ना, सारे दुख दर्द सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। यही इसमें दिखाया जाएगा कि पंचमुखी कैसे बने हनुमान जी, कैसे उनको पंचमुखी हनुमान का दर्जा दिया गया। टेलर बहुत अच्छा था। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए, जन है ना वो आपको कैसा लगा। फोर्थ आपने देखा ही होगा, उसमें कहानी अहिरावण से ही खत्म होती, क्योंकि उसमें दिखाया जाता है लास्ट में कि अहिरावण राम और लक्ष्मण को चोरी करके ले जाता है बेहोश करके, और हनुमान जी कैसे पता लगाते हैं और फिर वो पाताल लोक में जाते हैं। इसमें ये भी दिखाया गया कैसे हनुमान जी उनको वहां से वापस लेके आते हैं। हमने तो रामायण में देखा था कि उनकी परछाई थी वो यहाँ पे थी और श्री राम और लक्ष्मण वहाँ पे बेहोश पड़े हुए थे, पर हनुमान जी इस बात को पहचान लेते हैं और वो अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं, इसलिए वो पाताल लोक जाते हैं और उनको लेके आते हैं, तभी वो पंचमुखी हनुमान जी बने। क्योंकि उनके पांच अलग अलग रूपों के दर्शन कराए गए इसमें भी और रामायण में भी हमने देखा था। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हनुमान 5 का सीजन के जो ट्रेलर है वो आपको कैसा लगा। बने रहिए हमारे साथ, रिएक्शन वाले लिंक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से जरूर कीजिए, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।